स्वागत है आपका मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में, और मैं हूँ बाइकर टूरिस्ट सूर्य। और आज हम चलेंगे लिंगराज मंदिर, प्रभु लिंगराज, जो कि सारे उड़ीसा वासियों के लिए आराध्य देवता हैं। एक अनोखा अभियान के अंतर्गत उड़ीसा में जितने भी सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके चारों तरफ से सारे इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, और बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए, और बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी क्रिएट किए गए हैं, यह आप देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसको रिनोवेशन किया गया है, और डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन के जरिए बहुत सारे लाइटिंग दिए गए हैं, रेस्टिंग प्लेस बनाए गए हैं। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, बहुत अच्छा काम किया है हुआ है। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम बाहर से इसको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है एक पेड़ में भी। इसको लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। भुवनेश्वरी का अर्थ होता है माता पार्वती, और भुवनेश्वर होते हैं पिता महादेव, जिनके नाम पे हमारा शहर भुवनेश्वर का नामकरण किया गया था। यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है, और इस मंदिर का ऊंचाई 185 फीट है, और कलिंगा आर्किटेक्चर में ये बनाया गया मंदिर सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसमें गंगा रूलर्स इसमें जोड़ते चले गए, और ये सारे बने हैं सैंडस्टोन में, सारे पत्थर इसी में से मंदिर बना हुआ है। मंदिर के लिए जितने भी पानी चाहिए इस तालाब से लिए जाते थे। और इस मंदिर कम्प्लेक्स में 108 मंदिर हैं, और ये देख सकते हैं बाहर से एक व्यू। इस मंदिर के आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं। कलिंगा आर्किटेक्चर आपको हर एक मंदिर में दिखाई देगा, बहुत अच्छे कलाकृति यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मंदिर कम्प्लेक्स के चारों तरफ 7.5 फीट चौड़ाई का एक आपको दीवार दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त क्या होता था कि बाहर से बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स आके इसको तोड़ते थे। लिंगराज मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, आपको दिन भर घूमने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और बहुत सारे मंदिर भी आप देख पाएंगे। ये है चित्रकारिणी मंदिर, जो कि लिंगराज मंदिर के एकदम पास ही है, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लिंगराज मंदिर के 2 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जो कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, और बहुत ही अच्छे मंदिर हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं कि जहाँ पे कि अब पूजा नहीं की जाती, और बहुत सारे मंदिर अभी जहाँ पे पूजा अभी भी चल रही है। लिंगराज मंदिर के सामने बिंदुसागर लेक है, जो कि माना जाता है कि यहाँ पे लोग आके होली डीप लगाते हैं, अपनी डुबकी लगाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। ये बहुत ही गंदा होके पड़ा था, अभी इसको साफ किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस भी चल रहा है, और इसके अंदर अभी कोई भी गंदा चीज़ डालना मना है। लिंगराज मंदिर कम्प्लेक्स जाने से पहले हमें 4 मंदिर दिखाई दिए, जो कि रामेश्वर मंदिर है, भरतेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और शत्रुघ्नेश्वर मंदिर भी है। ऐसा अनोखा चीज़ और कहीं पे शायद दिखाई ना दिए, और जहाँ पे भी दिखाई दे बहुत ही कम होगा। चारों भाइयों के नाम पे एक एक मंदिर है यहाँ पे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, आप किसी भी वक्त आके देख सकते हैं। और साल भर में एक महीना ऐसा होता है कि आप पूरा शिवलिंग के करीब जाके आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूरे देश भर से लोग आते हैं लिंगराज जी का दर्शन करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाइकर टूरिस्ट सूर्य, आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम।